भाई दिस इज कॉल्ड पैट्रियोटिक मूवी, दिस इज कॉल्ड मास्टर ब्लास्टर। फुल गूजबम चल रहा है, फुल गूजबम मतलब इतनी एनर्जी भर देना भाई। आपकी स्क्रीन प्ले जो सॉलिड होती है ना, सिद्धार्थ आनंद मैं कहूँगा, ये डायरेक्टर यार व्हाट अ फाइनेस्ट क्रिएशन, क्या विजुअल इफेक्ट डाले हैं इस बंदे ने, क्या स्क्रीन प्ले लाया है, क्या सिनेमेटोग्राफी इन्होंने दिखाई है। उसके बाद जो बची कुची कसर थी उसके कास्ट भाई, मेन लीड पे हमारे ऋतिक रोशन, देन उसके बाद दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर एंड अदर कास्ट, वही फाड़ के जो गूजबम्स का पिटारा ये लोग देखे गए हैं। देशभक्ति मूवी में कोई मूवी बने तो भाई ऐसी बननी चाहिए। उस इंसिडेंट को इतनी जबरदस्त तरीके से पहले ना कि सिर्फ दिखाया, देन उसके बाद जो उसका घातक प्रहार था उसे किस हिसाब तक उन्होंने स्क्रीन प्ले पे लेके आए, ना कि सिर्फ स्क्रीन प्ले पे लेकर आए भाई, एक एक जनता से, एक एक जनता से जो कनेक्ट किया है भाई, दिस इज कॉल्ड मूवी एंड दिस इज कॉल्ड फाइनेस्ट क्रिएशन भाई। A1 भाई, 5 स्टार देता हूँ मैं इस मूवी को, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि यार जुड़ती है भावना। पुलवामा का इतना दरिद्रता वाला जो इंसिडेंट हुआ था, देन आफ्टर बैक उसके जो एयर स्ट्राइक करी, जो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, उसको हमने आंखों देखा, हाल ऐसा हुआ होगा भाई, अलग से गूजबम्स आता है। मतलब हम सोच रहे थे कि यार ट्रेलर में इन्होंने सब कुछ दिखा दिया, भाई कुछ भी नहीं दिखाया था ट्रेलर में। ठीक है, वो कहानी एक बार के लिए पता चल रही थी कि ऐसी होने वाली है, लेकिन भाई मूवी के बीच में इतना कुछ मिलेगा विदाउट एक्सपेक्टेशन, तुम सोच नहीं सकते कि और भी क्या क्या मिल सकता है भाई। कुछ भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, विदाउट स्पॉइलर फाइनेस्ट एंड ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, ताकि आपको मजा आ जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस मूवी को आप देखो। मतलब इस मूवी के बाद ना मैं कहूंगा वो लोग इस मूवी को जरूर देखें जो डिफेंस की खासकर तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी होगी, चाहे कुछ भी ये चीज की भी तैयारी कर रहे हो डिफेंस से रिलेटेड, भाई उनके अंदर जो मोटिवेशन आने वाला है यहाँ से, क्योंकि जो वहाँ से बूस्ट करेगा एक बड़ा लाइफ यार, एक एयरफोर्स बंदे की, एक पायलट की क्या लाइफ होती है, उसे भी बड़े अच्छे से दिखाया है, लेकिन कितनी कठिनाई से वो झेलते हैं, उसके बाद हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो भी ज़बरदस्त दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें भाई मोटिवेट करेंगी, तो मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स को एक बार जरूर देखनी चाहिए। VFX एंड विजुअल्स पे जो काम किया है भाई, सिद्धार्थ आनंद मान गया, बड़ा क्रिएशन, डायरेक्टर का जो विजन है वो बहुत दमदार है, देन उसके बाद उन सारी चीज़ को भाई विजुअल इफेक्ट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना, उसके बाद कनेक्ट करना, वो भी दमदार था। म्यूजिक एंड BGM की अगर मैं बात करूं, देन उसके बाद डायलॉग की बात करूं, भाई म्यूजिक ने जो आग लगाई है यार तन बदन में, मतलब इतनी ठंड चल रही थी, बावजूद इसके जो गूज़बम्प्स उठ रहे थे, जो अंदर से एनर्जी फील हो रही, इतना गर्म वाली एनर्जी, कभी होता है आपने कभी महसूस किया होगा कि जब बहुत कुछ अंदर तक टच करके जाता है तो एक ऐसा भाप टाइप की मारता है बॉडी में, वही देखने को मिला लास्ट में, खासकर लास्ट में वो चीज़ फील होती नजर आई है भाई। फुल डायलॉग बाजी, इतनी फाड़ एंड खड़ी डायलॉग बाजी, तो बिल्कुल टच करके जाता है, क्योंकि एक गुस्सा टाइप का भर जाता है अंदर, उस गुस्से को निकालने के लिए एक डायलॉग का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भाई हम खुद उस डायलॉग को बोल रहे हैं, उसको फील कर रहे हैं, उसे जी रहे हैं, मतलब एक एक सीन को जिया है यार लोगों ने इस मूवी में, दमदार है। गूज़बम्प्स तो देखे गई है भाई, फुल कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जबरदस्त इमोशनल, लास्ट में भयंकर इमोशनल करा, लोगों की आंखें डेफिनेटली गीली हुई, मैं खुद अपनी आंखों को छुपा रहा था। जो भी बजट था उसके हिसाब से जो विजुअल इफेक्ट डाले हैं, मैं कह रहा हूँ ना मजा आ जाएगा भाई। 3D में देखो, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि 3D में देखो, क्योंकि इसका फाइनेस्ट मजा लेना है तो 3D में देखो। कास्ट सुपर डुपर अमेजिंग है, करण ग्रोवर एंड अक्षय ओबेरॉय ने भी जो काम किया है, मतलब एयरफोर्स से क्या है उम्मीद लगती है कि यार बड़ा हैंडसम हंक वाली जो कास्ट होती है, यस लिया है दीपिका पादुकोण, वो मोस्ट ब्यूटीफुल, अनिल कपूर अपने चार्मिंग बॉय ही कहेंगे भाई, उसकी उम्र में क्या फ़र्क, कुछ फ़र्क नहीं देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद मेन लीड पर ऋतिक रोशन जैसा सुपर डुपर हैंडसम हंक बॉय, तो मूवी दमदार है भाई, आप भी जाओ देखो, मैंने तो देख लिया, दैट्स माय रिव्यू भाई, 5 out of 5 स्टार दूंगा। मिलते अगली वीडियो में, चाहिए।